तुझको ये जीवन दिया किस लिए है, मगर सोचा मन से न पूछा, कभी तू न सोचा मन से न पूछा है, तू बेकार जीवन दिया किस लिए अपने बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पते हर हर। यहाँ तक जाना नहीं साथ जाना, उसी को कमा समय गवाना, उसी को कमाने मिला समय गवाना, यहाँ जाना यही छोड़ कर सब तुझको है जाना, बुआ करम बोलो पिया किस लिए है, बुआ करम बोलो पिया किस लिए है, कभी तू न सोचा से न पूछा, कभी तो न सोचा, मंदी जल्दी से फोड़ो पाप की मटकी, जल्दी से फोड़ो जीवन दिया किस लिए है, नर्तन ये पाया हरि को न गाया, नर्तन ये पाया कब को न गाया, बेकार जीवन जिया किस लिए है, तो बेकार जीवन जिया किस लिए है। देवास्थान निर्माण की मंगना सन्नति है नाकम महिमान हाथ चंद्र पूर्व साध्या संत देवा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः, पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। और अब हम सभी आज तृतीय महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस में उपस्थित हैं, परम पूज्य महाराज के द्वारा हम सभी तृतीय महापुराण की परम मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। तो अब हम सभी आरती के क्रम में उपस्थित होंगे। Oh,
शंकर भगवान की जय हो। ये शंकर भगवान की जय हो। पंडे मैया की जय हो। हरे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगम दापहारम सिंहपुरपतिं भज विश्वनाथम आइए हनुमंत विराजिए कथा प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए प्रेम सहित गांधी धरों पधारिए बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। ओम।
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान छाकल्प तरु भूत भावन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती एवं उनका है दिव्यांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए हमारे बीच में अभी इसके पहले कुशीनगर में भैसही बाजार में कथा हुई थी डॉक्टर फूलबदन सिंह जी के यहाँ उनके समधी जी सिंह साहब हमारे बीच में पधारे हैं मैया भी आई हैं आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं एक बार सिंह साहब के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग आगामी समय में आपके यहाँ कथा भी होनी है पर मैया की इच्छा थोड़ी सी लंबी है कि हम लोग केदारनाथ में चल के कथा सुनेंगे तो खैर ठाकुर जी की जैसी कृपा सिंह साहब पधारे पूरे परिवार के साथ मेरी व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है साथ ही में इस कथा के आयोजक के रूप में पालेश्वर शिव मंदिर समिति के समस्त सदस्यगण जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा यहाँ आयोजित हो पा रही है मैं चाहूंगा एक बार सभी भक्तों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं समिति की सभी भक्तों को साधुवाद है आज के मुख्य यजमान जो हैं श्री चिंतामणि गुप्ता जी बिंदा चौहान जी पवन गुप्ता जी आप सभी लोग आज के मुख्य यजमान हैं आज के मुख्य यजमानों को भी मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है साथ ही में और भी जो भक्त पूर्व परिचित हैं अगर पधारे हो हमारी दृष्टि नहीं पहुंची हो तो आप सभी का मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है आइए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आज थोड़ा विलंब भी हो गया और हमारे यहाँ की एक जो लोगों के भीतर अफवाह की भावना होती है ना लगता है कुछ गलत हो गया तो हम भजन छोड़ दें फिर कथा कीर्तन सब बंद कर दो जबकि भगवान का नाम तो ऐसा है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक और मरने के बाद तक जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो केवल और केवल भगवान का नाम ही काम आता है सज्जनों भगवान के नाम की कितनी महिमा है आप जरा सोचिए जब हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ना तब पूजा पाठ सब बंद हो जाता है उस सुतक काल के समय होता है कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है ना तो सुतक काल के समय पूजा पाठ सब बंद हो जाता है घंट घड़ियाल सब बंद कर दिया जाता है पर मैं एक बात बड़े ही मजे के साथ में कहूं उस सुतक काल के समय उस विपत्ति काल के समय जब भगवान अपने किवाड़ को भी स्वयं भगवान भी जब अपने किवाड़ को बंद कर लेते हैं तब भगवान का नाम केवल एकमात्र आश्रय रह जाता है सुतक काल में भी लोग कहते हैं कि भाई कुछ न कर सको तो बैठकर भगवत नाम का चिंतन करो सुमिरन करो ताकि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा है वो हाँ वैसे भी मुंबई के लोग रात भर जागते हैं और एक मजे की बात सकलदेव जी कहाँ गए अच्छा वहां हमने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन पहली बार पवई में हमने क्रिकेट भी खेल लिया बजाओ ताली जम के वो भी रात के 1 बजे रात के 1 बजे और महाराज पहली बार बैट पकड़ा और जब बाल पे मारा सीधे बाल बाउंड्री लाइन पार ये बच्चे लोग साथ में थे 5 मिनट तक गेंद दौड़ते रहे गेंद गया कहाँ हाँ
अच्छा हमने तो मारा था वो शंकर जी के मंदिर, यहाँ से मारा शंकर जी के मंदिर तक पहुँचा, आगे कुछ कमी रह गई तो कुत्ता लेके आगे भाग गया, हम एक ढूंढते रहे। अच्छा दूसरी बार बार मारा तो गटर में चला गया, हमने कहा चलो जय राम जी की। तो भैया आप लोग नींद नहीं आ रही ना? हाँ क्या बात है। तो विपत्ति कब है? जब धन न हो तब, जब खाने को न हो तब, जब पहनने को कपड़े न हो तब। नहीं, हनुमान जी से राम जी ने हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु विपत्ति कब है? बोले कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न हो। जीवन में विपत्ति कब है? जब भगवान का कीर्तन न हो, सुमिरन न हो, भजन न हो। औरों की बात छोड़िए, मैं अपनी बात आपको कहूं, कथा से हमको कोई एक दो दिन के लिए दूर कर दे, अब ये कह दिया जाए कि आपको कथा नहीं करनी है, मैं प्रतिदिन कथा करता हूं, और कोई हमसे कह दे कि कथा नहीं करनी है तो पेट का खाना हजम नहीं होता। कोविड काल का समय था ना, कोविड काल में अन्य कथावाचक बैठे थे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कोविड काल में मैं एक भी दिन कथा से बैठा नहीं था, रोज मेरी कथा चल रही थी। कोविड समय में जिस समय लोग अपने घरों में बंद थे, कुछ दिन एक दो महीने तो घर में रहे थे, इसके बाद शिष्य लोग ले गए, गुरु जी आइए हमारे परिवार में बैठ के कथा गाइए, और जिस दिन कथा न करनी हो उस दिन घर में ही बैठ के कथा गाते थे, लेकिन हनुमान जी को जरूर सुनाते थे। बिना कथा गाए चैन नहीं, बिना भजन किए चैन नहीं। क्यों? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो आइए हम सभी लोग दो मिनट केवल कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करें, और फिर जल्दी जल्दी चले हम सभी लोग गणपति बप्पा के जन्मोत्सव की ओर। तो हमारे साथ सभी भाव से गाएंगे, अरे नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हरे रामा हरे राम।
रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय हो हरे हरे कृष्णा कृष्णा शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चतुर्थ दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? ये बच्चे कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो गए। काशी चलोगे? अच्छा क्या, कल हम सभी लोगों ने भगवान शंकर के विवाह की कथा को श्रवण किया और भगवान शंकर के विवाह के बाद बारात की विदाई हुई। विदाई प्रसंग बड़ा मार्मिक था, लेकिन हम लोग अब आगे चलेंगे इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए। बाबा कैलाश पर आए हैं विदा लेकर के, और जिस समय बारात को विदा कर रहे थे हिमालय राज हाथ जोड़ के कहते हैं का देव हूं पूर्ण काम, हे महादेव आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। लेकिन फिर भी नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करे हूं, मेरी जो बिटिया है उमा पार्वती वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरी बिटिया पार्वती को अपने चरणों की दासी बनाइएगा और मेरी बिटिया से कभी कोई अपराध हो जाए ना तो हो सके तो हमारी बिटिया को क्षमा कर दीजिएगा। देखिए पहले के माँ बाप जो होते थे ना, बच्चों को बिटिया को जब वो विदा करते थे तो बिटिया को विदा करते समय संस्कारों की शिक्षा देते थे, पर आजकल के माँ बाप पहले ही सिखा के भेजते हैं सास जिस दिन तुम्हें ऊंची आवाज में बात कर ले उसी दिन मुझे फोन करना, करोगी काम माँ? बोले थाना लेके पहुंचूंगी। बेटी विदा हुई नहीं, बेटी के घर को तोड़ने की पूरी प्लानिंग माँ बाप खुद ही कर देते हैं। हाँ जाना 9 बजे तक सोई रहना, कोई डिस्टर्ब करे तो सीधे फोन करना। अच्छा उनकी भी क्या गलती है, दहेज देकर जो भेज रही हैं। अच्छा लड़के वाले भी चाहते हैं ना कि इतना दहेज मिल जाए, 50 लाख तो मिलना ही चाहिए, इससे कम में क्या होगा। कई कई तो ऐसे, क्या कहा जाए, ऐसे भिखारी होते हैं। बेटी वाले बेटे के लिए रिश्ते लेकर, बेटी वाले अपनी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आवे तो बेटे पक्ष के लोग कहते अब देखो 50 के नीचे तो रिश्ता पक्का नहीं हो सकता, कम से कम 50 लाख तो चाहिए। अब आप सोचिए जो लड़के वाले पहले ही दहेज की डिमांड करके बहू लाएंगे, बहू सेवा करेगी? अरे हाँ या ना, नहीं करेगी। क्यों? पहले डिमांड जो किया, दहेज जो मांग लिया, आपने तो पहले ही कह दिया अरे हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया, ये बनाया वो बनाया, इतना खर्च किया है बेटे की पढ़ाई में, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। पर एक बात और मैं कहूँ, जब दूसरों की बारी आए तो हम कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, पर अपनी बारी आए तो मन में होता थोड़ा मिल ही जाता तो ठीक रहता, और अंत में कहेंगे हाँ सब कुछ तो ठीक था पर सब्जी में नमक थोड़ा कम था, कुछ थोड़ा सा चाहिए उनको लेकिन निकालने के लिए। लेकिन देखिए हिमालय राज ने क्या कहा,
नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करेहु। मेरी बिटिया मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है बाबा, यदि कोई अपराध हो जाए तो इनको मत बोलना, हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई ऐसा जान करके मेरी बिटिया को क्षमा कर देना। जो हमने संस्कार दिए हैं उसमें कोई कमी रह गई ऐसा जानकर मेरी बिटिया को माफ कर देना। बाबा बरात लेकर पहुंचे कैलाश पर, सारे देवताओं को विदा किया। अच्छा, जब बेटी की विदाई होती है तो बिटिया के मन में इच्छा होती है कि जहाँ मैं जाऊँ बढ़िया घर होगा, हाँ खूब बढ़िया सजा सजाया घर होगा, बढ़िया कमरे होंगे, रहने के लिए अच्छा स्थान होगा, बढ़िया रसोई कक्ष होगा। होता है कि नहीं होता? अच्छा, माँ बाप भी पहले देख के फिर विवाह करते हैं बिटिया का। माता पार्वती के भी मन में था कि जाऊंगी विवाह करके तो बढ़िया महल होगा, बढ़िया बेडरूम होगा, बढ़िया किचन होगा, बढ़िया अतिथि कक्ष होगा, अब बढ़िया खूब नौकर चाकर लगे होंगे। लेकिन शंकर जी जाकर कैलाश पर रुक गए। माँ ने कहा बाबा आगे चला जाए, बोले बस अब यही रहना है। अरे बोले बाबा घर कहाँ है? बोले घर नहीं, यही रहना है। माँ ने चारों ओर देखा तो घर नहीं, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। माँ ने कहा बाबा आप तो भोले भंडारी जैसे रह लिए वैसे रह लिए, लेकिन हमारे लिए तो घर चाहिए। आप वो कथा जानते होंगे, विश्वकर्मा जी को बुला करके भगवान ने सोने की लंका तैयार करवाई। पहले तो भोले बाबा ने मना किया कि देखो देवी ठीक नहीं है, अपने लिए तो कैलाश ही बढ़िया है। लेकिन माँ नहीं मानी तो बढ़िया लंका तैयार करवाया भोले बाबा ने। और जब गृह प्रवेश करवाना हुआ तो पंडित जी के रूप में रावण को बुलाया, और चेला भी इतना खतरनाक। जब दक्षिणा मांगने की बारी आई, शंकर जी ने कहा पंडित जी दक्षिणा मांगिए, तो रावण ने धीरे से कहा बाबा ज्यादा कुछ नहीं, अपना यही महल हमें दान में दे दो। माता को बड़ा क्रोध आया, पहली बार तो जीवन में हमने घर बनवाया अपने मन पसंद से और पंडित जी मांग ले गए। शंकर जी ने कहा देवी हमने पहले ही कहा था अपना पर्वत वाला ही घर बढ़िया है, तुम खामखा हमें भी परेशान कर रही, खुद भी परेशान हो रही है। बाबा आए और संतों ने गाया, अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे, कहाँ बनाई कहाँ पर, अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पर आधी पर गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पर गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पर उठिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। कितने लोगों को शंकर जी की कुटिया देखनी है, हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए हरि बोल महादेव।
का बैठो इधर। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी में आधी में आधी में गौरा बिठाई रे भोले बाबा तुमने, आधी ना बनाई रे भोले बाबा भोले बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, और देखिए आधी कुटिया पर बेला चमेली, गाओ ना, आधी कुटिया पर आज और कल दो ही दिन टाइम है, परसों से कोई नहीं कहेगा गाओ ताली बजाओ ना, परसों से फिर वही हाया करना है आप लोगों को, हाय बेटा हाय बिटिया हाय पैसा हाय मकान हाय दुकान, भगवान और धक्का दे दे जा मर जा, हाय हाय कर रहा है। आधी कुटिया पर बेला चमेली, आधी आधी कुटिया बच गई, बाबा ने कहा करूं क्या, बोले आधी पर भंगिया बोवाई रे, बहुत प्यारा गाते हैं आप लोग। आधी पर भंगी भोले क्या बात है, आप लोग इतने भाव से गा रहे कि भोले बाबा भैया प्रगति हो जाए। बाबा ने कैलाश पर निवास किया। अब यहाँ से शिव महापुराण में कुमार खंड का प्रारंभ होता है। शिव महापुराण की कथा श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज चरितम श्रणु वश्यामि शशि मौलेस्तु नारदः, गुह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सद्वधम। हे पिताजी, अभी तक आपने भगवान शंकर के विवाह की कथा को आपने हमें श्रवण कराया, लेकिन अब एक बात बताइए, तारकासुर का क्या हुआ, उसका वध कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, श्रुतयाम कथायाम मध्य कथाम पाप प्रणाशिनिम यम श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम। ये जो तारकासुर के वध की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं ना, जो कोई भी तारकासुर के वध की कथा को श्रवण करेगा, भोले बाबा उसके सारे पापों को जला करके नष्ट कर देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पाप को नष्ट करना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। जब पाप को नष्ट करना था तो पाप किया ही क्यों? अच्छा, ईमानदार तो है पवई के लोग, कम से कम ये तो मान रहे कि हम पापी हैं। हम नहीं कह रहे, आप ही तो उठा रहे आज। अच्छा देखो, जो पापी होता है ना, वो कभी हाथ नहीं उठाता कि हम पापी हैं। पर नहीं, देखो अब किसी को छेड़ोगे भाई यार, किसी ने गलती से मिस्टेक कर दिया तो पीछे मत पड़ जाना। कई बार जो पापी होते हैं ना, वो कहते हैं अरे हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, पर जो धर्मात्मा होते वो क्या कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामे। तुलसीदास बाबा कुटिल थे, खल थे नहीं, लेकिन साधु की दृष्टि देखिए, मौसम कौन कुटिल खल कामे। तो जिसको जिसको अपने पाप नष्ट करने हैं, तारकासुर के वध की ये कथा सुनिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज पाप नष्ट हो जाए तो कल से दूसरा पाप शुरू कर दे कि चलो अब तो पाप समाप्त ही हो गया, अब तो फिर पाप करेंगे और फिर पाप करके फिर वही तारकासुर वध की कथा सुन ले, ऐसा नहीं।
श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों सुनिए, विवाह करके भगवान शंकर जब कैलाश पर लौटे, सारे देवता विदा हुए, मेरे भोले बाबा और माता पार्वती एक गुफा में प्रवेश करके बहुत दूर निकल गए और यत्र तत्र सर्वत्र बैठकर भगवान की कथा, भगवत चर्चा, भगवत भजन, नवदा भक्ति का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। लगभग 1000 वर्ष बीत गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी अभी तक भोले बाबा के यहाँ से कोई समाचार नहीं आया, ये तारकासुर बहुत परेशान करता है, बाबा को पुत्र होता तो आज तारकासुर का वध होता और हम मुक्त हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कैलाश पर। सारे देवता कैलाश पर पहुंचे, नंदी गेट पर मिल गए। नंदी से पूछा, नंदी महादेव कहाँ है? कहा 1000 वर्ष पूर्व इसी गुफा में बाबा प्रवेश किए थे, कहाँ है हमको पता नहीं, आप पता कर लीजिए। देवताओं ने हाथ जोड़ा और बाबा को पुकारा है, देव देव रमानाथ सर्वावन कर प्रभो, रक्षण शरणापन्नान भय व्याकुल मानसान। हे देवों के देव महादेव, हे शरणागतों के रक्षक भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं बाबा। आप जहां कहीं भी हैं, यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो हे महादेव, हे सर्व अंतर्यामी, आप हमारे सन्मुख प्रकट होइए और हमारे दुखों का अंत कीजिए। और जैसे ही देवताओं ने पुकारा, महादेव ने तो कुछ क्षण तक रुकने का प्रयत्न किया कि मैं अभी न जाऊं, लेकिन पुनः जब देवताओं ने पुकारा तो बाबा को विवश होकर के वहां प्रकट होना पड़ा। जैसे ही बाबा प्रकट हुए, देवताओं ने हाथ जोड़ा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, अंतर्यामी ही सर्वेषां सर्वजानासि शंकरः। देवताओं ने हाथ जोड़ा, बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आप जो सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ? बाबा ने कहा देवताओं तुमको इस समय यहाँ आना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी आए हो तो मेरा नाम भोलेनाथ है, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला है और एक दिव्य ज्योति निकल के आज इंद्र के ऊपर गिरी है, क्योंकि इंद्र सबके सबसे सामने खड़े थे। इंद्र जलने लगे हैं, उस दिव्य ज्योति को उठा करके इंद्र ने धरती पर फेंक दिया। धरती माँ भी जलने लगी है, उस दिव्य ज्योति को उठा करके अग्नि को दे दिया है। अग्नि भी उस दिव्य ज्योति को संभाल नहीं पाए, पवन को दे दिया है। पवन भी जलने लगे, उस दिव्य ज्योति को संभाल नहीं पाए, हिमालय को दे दिया है। हिमालय भी उस दिव्य ज्योति को संभाल न पाए, गंगा को दे दिया है। और गंगा भी वो दिव्य ज्योति संभाल नहीं पाई, ले जाकर के जंगल में फेंक दिया है। और जैसे उस दिव्य ज्योति को जंगल में फेंका है, थोड़ा समय बीता है, अगहन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को उस ज्योति से एक दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शिव नंदन भगवान की जय हो। बालक ने रोना शुरू किया, आहा। प्रागट्य हो गया किसका? शिव नंदन भगवान का। बोलिए शिव नंदन भगवान की जय हो। अब देखिए भगवान भोलेनाथ की लीला। जैसे ही बालक ने रोना शुरू किया, बगल से विश्वामित्र जी जा रहे थे, देखा अरे बालक कहाँ रो रहा है। झाड़ी हटाकर देखा तो झाड़ी के पीछे एक सुंदर सा बालक पड़ा रो रहा था। और जैसे उस दिव्य बालक को देखा, देखते ही देखते दिव्य बालक ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा प्रणाम। विश्वामित्र जी सोचने लगे छोटा सा बालक अभी रो रहा था, अभी बोलने लगा, ये कौन है? पूछा बेटा तुम कौन हो? कहा मैं भगवान शंकर का पुत्र हूँ बाबा।
मेरा जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद जो संस्कार होता है ना, वो संस्कार नहीं हुआ है, कृपा करके आप वो संस्कार करें। विश्वामित्र जी ने जाना शिवनंदन है तो प्रणाम किया, काहे शिवनंदन मैं आपका संस्कार नहीं कर सकता, क्यों, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऋषि जरूर हूँ लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं आपका संस्कार नहीं कर सकता। तब शिवनंदन भगवान ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आज से मैं आपको अपना आचार्य मानता हूँ और आप मेरा संस्कार कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद आप ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने जाएंगे, ये मेरा आपको वचन है, आप मेरा संस्कार कीजिए। मैं आपको ब्रह्म ऋषि की उपमा देता हूँ। विश्वामित्र बाबा ने संस्कार किया है और कहा, हे शिवनंदन अब क्या आज्ञा है, कहा अब आप जाइए आगे की लीला मैं स्वयं करूँगा। विश्वामित्र जी चले गए, उसी समय 6 कृतिकाएं गंगा स्नान करने आई और जैसे ही गंगा में स्नान कर रही थी ना, एक बालक के रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी है, रो रहे शिवनंदन भगवान। आहा, कृतिकाओं ने सोचा ये बालक कहाँ रो रहा है, आवाज सुनते सुनते पहुंची हैं तो देखा झाड़ी के पीछे एक सुंदर सा बालक पड़ा है और रुदन कर रहा है। छह कृतिकाओं ने देखा इतना सुंदर बालक, बोले शंकर भगवान की जय हो, इतना सुंदर बालक। आहा, छह कृतिकाओं में झगड़ा हो गया, छह कृतिकाओं के हृदय में उस बालक के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया। पहली कृतिका कहती ये मेरा बेटा है, दूसरी कृतिका कहती ये मेरा बेटा है, तीसरी कहती ये मेरा बेटा है। भगवान शिवनंदन मन ही मन हंस रहे हैं कि देखो जन्म हुआ तो एक भी माँ नहीं और माँ मिली भी तो एक नहीं, छः छः माताएं एक साथ मिल गई हैं। मैं किसका हूँ, छह माताएं झगड़ रही, ये मेरा पहले मैंने देखा, ये मेरा बेटा पहले मैंने देखा, ये मेरा बेटा। तो छह माताओं को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने 6 मुख कर लिया है और भगवान का नाम पड़ गया खड़ानन। बोलिए खड़ानन भगवान की जय हो। तब छह कृतिकाओं को लगा ये हमारा ही बेटा है, छह कृतिकाओं ने दुग्ध पान कराया है और लेकर अपनी कुटिया में चली गई। और इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ, धीरे धीरे खड़ानन भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन माता पार्वती बड़ी चिंतित बैठी थी, भोले बाबा ने पूछा देवी क्या हो गया, कहा बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके तीसरे नेत्र से जो ज्योति निकली थी उस ज्योति का क्या हुआ। भोले बाबा ने कहा रुको अभी पता करता हूँ। बाबा ने डमरू उठाया और डम 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 डमरू बजाना प्रारंभ किया, अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू संकोच नहीं है। हरि बोल, डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले, डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु
काल हो मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू भजाया भोले नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोले नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत। उठाइए दोनों हाथों को, डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डम डमक डमक डम डमक डम रू बजाया भोले सुनकर जी गंगा चली, डमरू को सुनकर जी गंगा चली, गंगा चली वह यमुना चली, गंगा चली वह यमुना चली। काशी से गंगा जी चली, वृंदावन से यमुना जी चली, और अयोध्या जी में वहां सरजू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत। इसमें सरजू जी मगन है, क्यों मगन है, क्यों मगन है? अरे 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं। मेरी कुटिया के बाद आज जा जाएंगे, मेरी कुटिया के बाद आज जा जाएंगे, सुनकर जी गंगा चली, रूप सुनकर जी गंगा चली, और गंगा चली वह यमुना चली, गंगा चली वह यमुना चली, वहाँ सर झुका हो, वहाँ सर झुका हो, वहाँ सर झुका मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। रूप बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा
डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आहा, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश सारे पवई के भक्त मगन हो गए। आई एम राइट, अंग्रेजी सही है ना, कभी पढ़ा नहीं। बाबा ने डमरू बजाया, सारे देवी देवता उपस्थित हो गए। बाबा क्या आज्ञा है? महादेव ने कहा इंद्र इधर आओ। इंद्र ने कहा सरकार आज्ञा। मेरे नेत्र से जो ज्योति निकली थी और तुम्हारे ऊपर गिरी थी वो ज्योति कहाँ है? कहा मैंने तो धरती को दे दिया था। धरती को पूछा ज्योति कहाँ है? उसने कहा, धरती माँ ने कहा मैंने तो अग्नि को दे दिया था। अग्नि से पूछा वो ज्योति कहाँ है? अग्नि ने कहा मैंने तो वायु को दे दिया था। वायु ने कहा मैंने तो हिमालय को दे दिया था। हिमालय ने कहा मैंने तो गंगा को दे दिया था। गंगा ने कहा मैंने तो उछाल करके जंगल में फेंक दिया था। तो अब साक्षी कौन देखी वो ज्योति कहाँ है? सूर्य को बुलाया जाए, क्योंकि भगवान सूर्य की ड्यूटी 12 घंटे रहती है, उनको पता है कहाँ क्या हो रहा है। देखिए सूर्य भगवान एक ऐसे देव है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, जिनका दर्शन हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उनको चलते देख सकते हैं, उनको उगते देख सकते हैं, उनको जाते देख सकते हैं। अगर कोई कहे भगवान कहाँ हैं तो उनको दिखा देना, वो जो उग रहे हैं और जो वो अस्त हो रहे हैं और सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं वो सूर्य भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए उनको कहा गया सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सूर्य नारायण दिखते हुए देव हैं, बुलाया गया। भगवान सूर्य ने कहा जब तक मेरी ड्यूटी थी वो ज्योति वही थी, मेरे जाने के बाद चंद्रमा की ड्यूटी लगी थी। चंद्रमा को पूछिए, चंद्रमा को पूछा गया वो ज्योति कहाँ है? चंद्रमा ने कहा सरकार हमने देखा वो दिव्य ज्योति, उसने एक बालक का रूप लिया। विश्वामित्र जी आए थे, कुछ चर्चाएं हुई थी, इसके बाद उस बालक को कृतिकाएं ले गई हैं। आहा, इतना सुनते ही तो पार्वती माँ प्रसन्न हो गई। चलो हमारा बेटा सुरक्षित है। कहा भोले बाबा, भोले बाबा ने कहा देवी, कहा मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करता हूँ। नंदी आदि गणों को कहा जाइए, कृतिकाओं के पास हमारा बेटा है, मेरे बेटे को लेकर के आइए। नंदी आदि चले हैं और देखिए इधर धीरे धीरे खड़ानन भगवान थोड़े बड़े हो गए थे। शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि बचपन से थोड़े चंचल थे खड़ानन भगवान। वो दौड़ते दौड़ते बैकुंठ पहुंच जाते और पीछे से शेषनाग को छेड़ करके भग जाते थे। जब तक शेषनाग मुड़ के देखे कौन है भाई, तब तक गायब। कभी जाके भगवान के चरण छू के भग जाते थे, भगवान उठ के देखे कौन है भाई, तब तक भग जाते थे। कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे और ब्रह्मा जी के जो हिसाब किताब की डायरी है वो इधर का इधर कर देते थे, इधर का इधर कर देते थे। और ब्रह्मा जी को यमराज को जब फाइल देना हो, इधर की फाइल उठा के देते थे, यमराज कहते थे महाराज गलत फाइल आ गया है। अब उनको क्या पता कि ये सब करामत किसका है? खरान भगवान का। लेकिन कोई भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता, उनको देखने के बाद सबके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। ऐसे हैं हमारे खड़ानन भगवान। गणों ने दूर से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ही बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो। गणों ने प्रणाम किया, कृतिकाओं के पास नंदी पहुंचे हैं और निवेदन किया मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें और कृपा करके इस बालक को हमें प्रदान करें। कृतिकाएं रो पड़ी, अरे नंदी ये तो मेरा बेटा है और अपने बेटे को हम कैसे दे दें? कहा ये आपका बेटा नहीं, ये तो शिव नंदन है, ये तो जगत के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। कृतिकाएं रो पड़ी,
जिस बच्चे को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया ऐसे कैसे दे दें। चलिए हम चलते हैं माता पार्वती के पास, हम भी अपनी बात रखेंगे और हमें पता है माता पार्वती भी एक माँ है, वो हमारे दुख को समझ सकती है। आगे आगे शिवगढ़ चले हैं, पीछे पीछे कार्तिकेय भगवान चले, खड़ानंद भगवान चले और पीछे पीछे कृतिकाएं चली हैं। जैसे ही भगवान खड़ानंद कैलाश पर पहुंचे हैं, आहा, माता पार्वती ने अपने बच्चे को देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया है। देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए खड़ानंद भगवान की जय हो। और इतने में पीछे से रोने की आवाज आई, माँ ने पीछे मुड़ करके देखा तो छह कृतिकाएं खड़ी होकर के रो रही थी। माँ ने पूछा क्या हो गया, कृतिकाएं बोली माँ आप तो एक माँ हैं, आप मेरी पीड़ा को समझ सकती हैं। जिस बालक को हमने अपना मान करके पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज हमें पता लगा कि वो आपके बालक है, वो शिव नंदन है, हमारा अधिकार आज इनके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। माँ को दया आ गई, माँ ने कहा कृतिकाओं तुम चिंता मत करो, ये भले ही शिवनंदन है लेकिन इनका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा होगा, तुम्हारा नाम कृतिका है सो इनका नाम कार्तिकेय होगा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। ये नाम पार्वती माँ ने दिया था कृतिकाओं को संतोष हो जाए, इसलिए कृतिकाएं चली गईं। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा, कहा महादेव अब कृपा करके कार्तिकेय भगवान को आज्ञा दीजिए, वो चल करके तारकासुर का वध करें। भगवान शंकर ने कहा कार्तिकेय जाओ, जाकर तारकासुर का वध करो। आहा, जैसे ही आज कार्तिकेय भगवान चले, पीछे पीछे पूरी सेना सभी देवता लोग बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। बाजे बजने लगे हैं, दुंदुभियां बजने लगी हैं, चारों ओर जय जयकार होने लगा है। तारकासुर ने देखा ओहो देवता फिर आ रहे हैं, बड़े निर्लज्ज हैं ये देवता, कितनी बार मैंने इनको पराजित करके क्षमा करके छोड़ दिया और फिर भी ये युद्ध करने आ रहे हैं, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। उधर से तारकासुर अपने योद्धाओं को लेकर चला और इधर से देवता लोग कार्तिकेय भगवान को लेकर चले। भीषण युद्ध छिड़ गया, सबसे पहले वीरभद्र जी महाराज युद्ध में कूदे हैं। वीरभद्र कौन है आपको पता है, वीरभद्र महादेव के सबसे परम सेवक और महादेव के ही स्वरूप हैं, बिल्कुल महादेव जैसे लगते हैं। त्रिशूल लेकर कूदे हैं युद्ध भूमि में, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हुआ और शिव महापुराण में लिखा है शाम होते होते तो वीरभद्र जी महाराज भी पराजित होने लगे हैं। वीरभद्र जी पीछे हट गए, तारकासुर नहीं मरेगा समझ लेना, आप लोग हल्ला करोगे तो, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था ना तो देवता मौन हो के युद्ध कर रहे थे, पर तारकासुर के टीम वाले चिल्ला रहे थे मारो मारो। भीषण युद्ध हुआ, अब तो इंद्र युद्ध में कूदे हैं, दूसरे दिन शाम होते होते वो भी पराजित होने लगे। भगवान विष्णु युद्ध में कूदे हैं, उनसे भी मारा नहीं गया। तब सब देवता पहुंचे हैं कार्तिकेय भगवान के पास, कहे कार्तिकेय भगवान अब आप आगे होइए और चल करके इस दुष्ट का वध कीजिए, इस दुष्ट ने हम लोगों को बहुत कष्ट दिया है। क्रोध आया कार्तिकेय भगवान को और महाराज दिव्य अस्त्र लेकर के आज कार्तिकेय भगवान दौड़े हैं तारकासुर की ओर, और जैसे ही तारकासुर ने देखा ऐसा लगा जैसे कार्तिकेय नहीं स्वयं यमराज आ रहे हैं। जिनकी रही भावना Thank you.
पसीने पसीने हो गया कार्तिकेय भगवान को देख करके। देवताओं के यहाँ मंगल होने लगा और दैत्यों के अपशगुन होने लगा। दैत्यों की जो पत्नियां थी उनके हाथ की चूड़ियां फूटने लगी हैं, उनके घर के दीपक बुझने लगे हैं, अपशगुन होने लगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते कार्तिकेय भगवान ने पासोपास शस्त्र फेंक करके मारा, जाकर लगा है तारकासुर को। तारकासुर धरती पर गिरा, उसके प्राण निकल गए। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की जय हो। मर गया तारकासुर? मर गया कि नहीं? अरे कार्तिकेय भगवान के लिए ताली तो बजा दो। तब जन्मे हो खट बदन कुमारा, पत्रकार लोग आ गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा, शंकर जी ने कहा आपके बेटे ने तारकासुर को मार दिया, क्या कहना है? बाबा ने त्रिशूल उठाया, पत्रकार भागे। कहा भागो मत, मारने के लिए नहीं उठा रहे। दूसरे हाथ में बाबा ने डमरू उठाया और बाबा इतने प्रसन्न हो गए। आहा, कौन पिता होगा जो बेटे की उपलब्धि पर प्रसन्न नहीं होगा। बाबा ने डमरू उठाया और ऐसा डमरू बजाया, भोले नाथ ने सारा कैलाश पर्वत डमक 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 ऐसा डमरू बजाया, भोले नाथ ने साधम रूप जाया। बाबा ने डमरू बजाया, देवताओं ने कार्तिकेय भगवान को कंधे पर उठा लिया। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तारकासुर का वध हुआ, सभी देव प्रसन्न हो गए। सबने आकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। कहा बाबा, तारकासुर का वध तो हो गया और हमने कार्तिकेय भगवान को सेनाध्यक्ष बना दिया है, तो अगर आप आज्ञा करें तो हम कुछ दिन के लिए कार्तिकेय भगवान को अपने साथ ले जाएं। पार्वती माँ तो रोने लगी, अरे बेशर्मो, तुम्हें तनिक भी हमारी चिंता नहीं है? अरे इतने दिन बाद तो बेटा हमें मिला है, और जैसे ही बेटा मिला तुम युद्ध कराने लेके चले गए। युद्ध में तारकासुर मारा गया तो तुम स्वर्ग में लेकर चले जाओगे, कुछ दिन तो हमारे पास रहने दो। आहा, शंकर जी ने कहा देवी चिंता मत करो, बेटा आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने दो, बेटा अपना ही है, जाएगा कहाँ, अभी समय है, प्रमोशन कर लेने दो, लौट कर अपने कैलाश पर ही आएगा, कहाँ जाएगा। पार्वती जी को समझाया, ऐसे परेशान नहीं होते, जाने दीजिए। कार्तिकेय भगवान को देवता लेके चले गए। अब कैलाश पर कौन रह गया? भोले बाबा और माता पार्वती। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी आपने तारकासुर की कथा, वध की कथा आपने हमें श्रवण कराया, कार्तिकेय भगवान की कथा को श्रवण कराया, अब एक बात बताइए, मंगलकर्ता गणपति बप्पा का प्रागट्य कैसे हुआ था? अधुना श्रुतिमिक्षामि गाने संवृत्तमुत्तमम्
तज जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। मंगल करने वाले मंगलकर्ता गणेश जी के प्रागट्य की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद बड़े ध्यान से सुनिए। पार्वती माँ कैलाश पर रहती हैं, जिनकी दो सखियां हैं, एक का नाम है जया और एक का नाम है विजया। दोनों पार्वती माँ की खूब सेवा करती। एक दिन चलिए बैठिए आप लोग ध्यान से कथा सुनिए। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? क्या बात है। पार्वती माँ की दो सखियां थी, एक का नाम था जया और एक का नाम था विजया। दोनों सेवा करती रहती और मन ही मन कुछ गुमड़ गुमड़ करती रहती। पार्वती जी ने एक बार पूछा, क्या हो गया? कहा, माता जी आप नहीं जानती। क्या है, हुआ क्या है तो बता। बोले, शंकर जी के तमाम गढ़ हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, श्रृंगी हैं, जो शंकर जी की आज्ञा मानते हैं, पर आपके पास तो कोई गढ़ ही नहीं है जो आपकी आज्ञा माने। माता जी ने कहा, हमें गढ़ की क्या जरूरत, नंदी अपना ही बेटा है। नंदी को कह दे कि नंदी यही खड़े रहो तो नंदी हटने वाले थोड़ी है, नंदी तो अपना ही बेटा है। जया विजया मौन हो गई, अब क्या बोले। हाँ, मालिक के सामने नीचे वाले जो काम करने वाले वो ज्यादा क्या बोल सकते हैं। एक दिन एक घटना घटी। माता पार्वती ने नंदी को कहा, नंदी तुम गेट पर खड़े रहो, मैं जा रही हूँ स्नान करने, और किसी को भी गुफा के भीतर आने मत देना। इतना कह के जया विजया को साथ में लिया और जैसे ही स्नान करने के लिए गुफा के भीतर गई, उधर भोले बाबा मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में एक इमरजेंसी फाइल चाहिए थी जो गुफा के भीतर रखी थी। बाबा आए और जैसे ही जाने लगे भीतर, नंदी ने कहा, रुकिए बाबा, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? कहा, मुझे अभी आज्ञा लगी है माँ की, अंदर आप नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ, हमारे घर में जाके जाने से हमको ही रोकते हो, हटो साइड में। अब नंदी बेचारा डर गया, बाबा तो बाबा, बगल हट गया। ठीक है प्रभु, जाइए, जो आपकी इच्छा, आपका घर, आप जाइए, हम कहाँ रोक सकते हैं। भोले बाबा ने प्रवेश किया गुफा में। माँ स्नान करने जा ही रही थी, इतने में देखा भोले बाबा आ गए। माँ संकोच में पड़ गई, जया विजया भी संकोच में पड़ गई। बाबा वहां से भगे बाहर आए। जया विजया कहने लगी, देखा ना माता जी, मैंने पहले ही कहा था आपका एक कोई स्पेशल गढ़ होना चाहिए। नंदी ने आने दिया ना भोले बाबा को, और नंदी भी क्यों रोकता, चेला तो उन्हीं का है, उनको कहाँ रोक सकता है। मैंने पहले ही कहा था, और अभी समय है, कोई एक गण, एक सेवक आपका होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा माने। ये कान भरने वाले भी बड़े गजब होते हैं। जो कान भरने वाले होते हैं ना, इनकी महिमा अपरंपार है। सास को जाके उधर भड़काए, बहू को जाके उधर भड़काए, और दोनों जब झगड़ा करे तो ये निकल जाए चार दरवाजे पे जाके कहे, बहन जमाना बहुत खराब है, क्या हुआ देखो ना, फलाने के घर झगड़ा हो रहा है। अरे अम्मा लगाया किसने, खुद लगा के पीछे मजा ले। ऐसे लोग होते हैं समाज में। जया विजया ने कान भरा, माँ ये गढ़ आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आपका कोई स्पेशल गढ़ होना चाहिए, सेवक होना चाहिए जो आपकी आज्ञा माने। माँ ने शरीर पर उपटन लगाया था। पहले के जमाने में ये क्रीम पाउडर नहीं होता था, पहले के जमाने का क्रीम पाउडर उपटन ही होता था। बहुत पहले अगर प्राचीन समय में जाएं तो उपटन लगाकर लोग स्नान करते थे, मिट्टी से स्नान करते थे और स्वस्थ रहते थे। और आज जितने क्रीम पाउडर आ गए, मेकअप पे मेकअप, उस पर भी तीसरा लेयर, बारिश हो गया तो सब हो गया मिक्स। और कंपनी वाले भी बड़े खतरनाक, गजब का प्रचार दिखाते हैं, ये क्रीम लगाओ 4 हफ्ते में गोरी त्वचा पाओ।
एक गांव के आदमी ने प्रचार देखा, उसने सोचा चार हफ्ते में गोरी त्वचा पाओ। लेके आया दो चार बंडल क्रीम और उसने एक भैंस पाल रखा था, लगा भैंस को लगाने। दो महीने हो गए, भैंस काली की काली रह गई, गोरी हुई नहीं। उसने कंपनी वालों को गाली देना शुरू किया, कंपनी वालों तुम लोगों पे FIR करेंगे, हमारा पैसा बर्बाद किया है। तो आजकल के ये महंगे प्रोडक्ट, लेकिन पहले के जमाने का क्रीम पाउडर ये उपटन ही होता था। माँ ने उपटन लगाया था और बड़े संकोच में माँ दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी, उपटन धरती पर गिर रहा था। माँ ने सहज भाव में उपटन को एकत्रित किया, मन ही मन सोच रही थी एक अपना गढ़ होना चाहिए जो केवल हमारी बात माने। और सोचते सोचते एक बालक का आकार दे दिया उस उपटन को। नीचे देखा तो बालक का आकार प्रकट हो गया, माँ ने जल लेकर छीटा मारा, गौरी नंदन भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए गौरी नंदन भगवान की जय हो, गौरी नंदन भगवान की जय हो, गौरी नंदन भगवान की जय हो। जैसे ही बालक का प्रागट्य हुआ, बालक ने रोना शुरू किया। गौरी नंदन भगवान रो रहे। जया और विजया चौंक गई अचानक से, बालक कहां से रोने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो गौरी नंदन भगवान प्रकट हो चुके थे। जया विजया प्रसन्न हो गई और जया विजया ने सोहर गाना शुरू कर दिया। घर में लाला होवे तो क्या गाते हैं, अरे बोलो ना, सोहर सुनना है आप लोगों को। गणपति बप्पा प्रकट हो गए और ये तो गणपति बप्पा की भूमि है, गणपति बप्पा मोरया। हाँ, तो आइए हम लोग स्वर का श्रवण करें। कितने लोग स्वर सुनेंगे वो हाथ उठाएं। स्वर सुनेंगे तो न्योछावरी भी देना पड़ेगा। कितने लोग न्योछावरी देंगे, क्या बात है। हमने कल कहा था जब गणेश जी प्रकट होंगे तो आप लोग न्योछावरी करेंगे, तो आप लोग अपनी अपनी न्योछावरी निकाल लीजिए। हम सोहर गा रहे हैं, एक दो बच्चे आपके बीच में जाएंगे, सोहर का आनंद लेते हुए आप झोली में न्योछावरी समर्पित करके वहीं से गणपति बप्पा को प्रणाम करेंगे। क्योंकि आप यहाँ तक आएंगे तो भीड़ बहुत है, भगदड़ होगी, इसलिए यथास्थान पर बैठे बैठे अपना न्योछावर निकाल लीजिए और न्योछावरी करते हुए सोहर का आनंद लेते रहेंगे। जिनको भी हमारी जन्मभूमि राजापुर में बन रहे मंदिर में सहयोग देना हो, आप लोग पीछे स्टॉल पर सहयोग देकर मंदिर का रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंगे और सोहर का आनंद लेते रहेंगे। अरे दुनिया से अलग बालनवा, दुनिया से अलग है कौन, हमारे गणपति बप्पा। अरे दुनिया से अलग बालनवा, ललनवा शिव के मन मोह हो। दुनिया से अलग बालनवा, ललनवा शिव के मन मोह हो। दुनिया से अलग बालनवा, ललनवा शिव के मन मोह हो। Yeah.
गणपति बप्पा का जन्म भादो के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। सो संत जन कहते हैं, अरे भादो में जूटलबा जहनवा, तब बम बम बोले धमावान हो, ए मैया गौरा पुरई है अरमनवा की, मिलजुल गावे सोहर हो। अरे कैलासो पे आनंद भयो, जय गणपति लाल की, कैलाश पर आनंद भयो, जय गणपति लाल की, कैलासो
पे आनंद भयो भाई। आप लोग बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। जो लोग नहीं बोल रहे ना उनको उनके पड़ोसी की कसम। और देखते ही देखते हमारे गणपति बप्पा 5 वर्ष के हो गए। गणेश जी ने हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम किया, माँ आपने हमें क्यों प्रकट किया? कहा, बेटा ये दुनिया तुम्हें गौरी नंदन के नाम से जानेगी और मैंने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र और गढ़ के रूप में यहाँ प्रकट किया है। जाओ और जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक मेरी आज्ञा न हो ना किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने कहा, माँ मैं तो छोटा सा हूँ, कोई आएगा उठा के हमको उधर फेंक देगा, घुस जाएगा भीतर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे रखवाली करूँगा। बगल में एक डंडा था, माँ ने उठाया डंडा और दे दिया, बेटा ये छड़ी तुम पकड़ो, ये डंडा पकड़ो, इसमें हमने अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। जब तक ये डंडा ये छड़ी तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ खड़े हो जाओ दरवाजे पर। छोटे से गणेश जी महाराज धीरे धीरे पहुंचे और जाके दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में फिर शंकर जी को दूसरे फाइल की जरूरत लगी। अब शंकर जी के तो इमरजेंसी मीटिंग होती रहती है, हाँ शंकर जी का काम ही प्रलय करना उठाना, एक भी सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। बाबा को याद आ रहे दूसरी फाइल भी तो घर में ही है। बाबा दौड़े और जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे गणेश जी ने डंडा लगा दिया, रुको कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने देखा हमारे घर में जाने से हमको रोकने वाला कौन आ गया। कहा, बेटा ये हमारा घर है, तुम कौन हो हाँ और यहाँ क्या कर रहे हो और हमें क्यों रोक रहे हो। कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से गड़बन कर बैठे हो। किसकी आज्ञा मिली है तुझे जो तुम यहाँ खड़े होकर के मुझे रोक रहे हो। मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम मुझे रोकते कैसे हो। हटो हमको जाने दो। आहा गणेश जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज अभी प्रेम से कह रहे हैं। बालक बोला, सुनिए स्वामी मैं माँ का अनुगामी हूँ, मैं पार्वती नंदन हूँ, मैं गौरी नंदन हूँ। शंकर जी ठाका लगा के हंसे, बेवकूफ किसी और को बनाना, पार्वती हमारी पत्नी है और हमें बेटा होगा हमें पता नहीं चलेगा, मूर्ख बना रहे हो, हटो यहाँ से। शंकर जी जैसे ही अंदर जाने को हुए गणेश जी ने फिर डंडा लगाया, अंदर जाना मना अभी लौट के आना फिर कभी, हटो पीछे। शंकर जी को बड़ा गुस्सा आया,
शंकर जी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं महादेव हूँ, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें समाप्त कर सकता हूँ। गणेश जी को भी थोड़ा क्रोध आया और गणपति बप्पा ने कहा सुनिए, यदि आप महादेव हैं तो मैं भी महादेवी का लाल हूँ, मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। यदि आप महादेव हैं तो मैं भी महादेवी का लाल हूँ, ऐसे नहीं डरता मैं आपसे, चलिए पीछे हटिए। कहा मैं शिव हूँ, तुम्हें मेरे सामर्थ्य के बारे में ज्ञात नहीं। गणेश जी ने कहा यदि आप शिव हैं तो मैं भी शक्ति का बेटा हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ मैं, चलिए पीछे हटिए। इतने में नंदी आ गए, भगवान क्या हो गया? शंकर जी ने कहा देखो ना, न जाने कहाँ से छोटा सा बच्चा आया है, अब मैं छोटा जानकर बोलता नहीं हूँ तो देखने में छोट लागे, घाव करे गंभीर, बहुत ऊंची ऊंची बात बोलता है। हाथ जोड़ लिया नंदी महाराज ने, भोले बाबा बच्चे के लिए तो हम ही काफी हैं, आप जरा बगल में बैठिए हम समझाते हैं। आ गए नंदी महाराज, बोले शंकर भगवान की जय हो। नंदी महाराज आ गए सामने और नंदी महाराज ने आकर के कहा बेटा ये शंकर जी का घर है, तुम हट जाओ यहाँ से, भोले बाबा को भीतर जाने दो। छोटे से गणेश जी ने कहा महाराज आप हमें डराने आए हो, चार चार पैर लेकर दो दो सिंह लेकर आप चाहते हो, आप ये जानते हो कि हम आपको देखकर डर जाएंगे? डरने वाले नहीं हैं, और आपको विश्वास नहीं होता तो दो दो हाथ करके देख लीजिए। नंदी को आया गुस्सा का, छोटा सा बच्चा बहुत बोल रहा है, इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और नंदी ज्यों मारने के लिए आगे बढ़ा बढ़े हैं, गणेश जी ने उठाया डंडा और एक डंडा मारा, नंदी जाके कैलाश के नीचे धड़ाम गिरे। भृंगी श्रृंगी ने देखा कहा बहुत खतरनाक है, बाबा ने कहा जाओ जाओ। भृंगी श्रृंगी आगे बढ़े, डरते डरते आगे बढ़े, इतने में एक डंडा मारा, दोनों के दोनों भगे वहां से। आहा, बाबा को क्रोध आया, बाबा ने त्रिशूल उठाकर कैलाश पर पटका है, पूरा ब्रह्मांड हिल गया सज्जनों। ऐसा डमरू बजाया तेरे, सारे देवता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु आ गए, इंद्र आ गए, भगवान क्या हो गया इतनी क्रोध में आप, क्या कारण है? का छोटा सा बच्चा है, बड़ा को दंड है, मुझे घर में प्रवेश करने नहीं देता है, इसे समझाओ और हटाओ नहीं मुझे मारना पड़ेगा इसे। इंद्र ने कहा भगवान मैं देखता हूँ, और जैसे इंद्र गए उठा के डंडा, एक डंडा मारा गणेश जी ने, इंद्र उड़ते हुए जाकर स्वर्ग में गिरे। भगवान विष्णु आए, सुदर्शन चक्र छोड़ा है, सुदर्शन चक्र परिक्रमा करके वापस लौट गया, वहीं से विष्णु जी ने हाथ जोड़ लिया ये साधारण बच्चा नहीं है। विष्णु जी जाके उधर बैठ गए, शंकर जी ने कहा क्या हो गया? विष्णु जी ने कहा बाबा अब आपका घर का मैटर हम कहे को बोलने जाए, आप देख लो अपना। और देखिए भीतर पार्वती वहां बैठ करके बोली शंकर भगवान की जय हो। बाहर युद्ध चल रहा है और भीतर माता जी बैठकर लाइव प्रसारण देख रही हैं न्यूज चैनल पे, और बीच बीच में आकर के वो जया विजया, माता जी ब्रेकिंग न्यूज आया है। क्या? बोले एक ही डंडे में इंद्र स्वर्ग में जाके गिरे। अरे नंदी को तो ऐसा मारा कि कैलाश के नीचे जाके गिरे। माता जी खुश हो रही, अच्छा किया, बहुत परेशान किया था इन लोगों ने हमें, अपनी मनमानी करते थे, आज पता लगेगा कि हमारे एक बच्चे के सामने कोई नहीं टिक सकता, आज पता लगेगा इन लोगों को। सारे गणों की जम के पिटाई हुई, भोले बाबा को क्रोध आया, मेरे घर में आकर मेरे ही गणों को ये मारता, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने उठाया त्रिशूल, भगवान विष्णु समझ गए अब कुछ विशेष ही होने वाला है, बाबा को क्रोध आया है तो ऐसे क्रोध शांत नहीं होगा। बाबा त्रिशूल लेकर दौड़े, उधर मुख करके खड़े थे गणेश जी, फेंक कर त्रिशूल मारा है और सिरदर अलग हो गया सच में। और जैसे ही सिरदर अलग हुआ है, माँ कहता हुआ बच्चा धड़ाम से धरती पर गिरा है। जया और विजया दौड़ पड़ी, माँ माँ अनर्थ हो गया, माँ क्या हुआ? बोले महादेव ने आपके बेटे का वध कर दिया,
सिरधर अलग हो गया, बच्चा माँ कहते हुए धरती पर गिरा है। माँ उठ करके खड़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए माँ के, भुजाएं फड़क गई, आवाज लगाया, हे चामुंडा, हे काली, हे देवियों, प्रकट हो जाओ, लगता है इन देवताओं की बुद्धि ठिकाने नहीं है, सृष्टि में प्रलय करने का समय हो गया। दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई, हाहाकार मचा है और दिव्य शक्तियों ने दुनिया में प्रलय करना प्रारंभ किया है। सारे देवता मारे मारे फिरने लगे हैं, नारद जी के पास सोचे, बाबा जल्दी करो, नहीं ये दिव्य शक्तियां जो प्रकट हुई हैं पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगी। माताओं को अबला कहते हैं, लेकिन उनके धैर्य की परीक्षा मत लेना। वो अबला जब सबला बनती है ना, वो अबला जब सबला बनती है तो अच्छे अच्छे लोगों का तबला बच जाता है। हाँ, इसलिए माताओं से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे तो पत्नी को बामांगी कहा जाता है, कोई कहे भाई कौन है, तो बामांगी हमारी पत्नी, धर्म पत्नी है, पत्नी बामांगी होती है। पूजन करना हो तो दाहिने बैठ जाती है और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। आज माँ का रुद्र रूप प्रकट हुआ, नारद जी ने कहा बचना है तो एक ही तरीका है, जगदम्बा माँ की शरण में चलो। आहा, सारे देवी देवता घबराए हुए माँ की शरण में आए। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय पार्वती माता मैया, जय गाइए। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ओ हो ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल दाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। नारद जी गुरु रूप में आगे खड़े हैं और सारे देवता पीछे खड़े हैं। देखिए गुरु क्यों जरूरी है, लोग पूछते हैं ना कि गुरु क्यों धारण करे। गुरु हमें पग पग पे संभालता है, भगवान की आवश्यकता तो संभवा में युगे युगे, युग युग में भगवान की आवश्यकता है, लेकिन गुरु की आवश्यकता तो पग पग पे है सज्जनों, पग पग पे है। जिस पग के साथ गुरु का साथ नहीं होगा हमारा, वही पैर गड्ढे में पड़ जाएगा। इसलिए जीवन के हर क्षण गुरु के कृपा के आश्रित बनिए। गुरु के कृपा के आश्रित बनकर जब आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना, तो भगवत मार्ग सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। गुरु क्यों धारण करें, गुरु है कौन, जो एक हाथ में शिष्य के हाथ को पकड़े, दूसरे हाथ में भगवान के हाथ को पकड़े और दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, उसी का नाम सद्गुरु होता है। गुरु बिन भवन दि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। और एक बात और मैं कहूं, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म जीवन में दो बार होता है, एक बार जन्म माता पिता के द्वारा होता है और एक बार जब गुरु गुरु मंत्र देकर हमें दीक्षित करते हैं ना, तो वो भक्त का दूसरा जन्म होता है। और ठाकुर जी की डायरी में आपकी जन्मतिथि तब से नोट नहीं होती जब से आपने जन्म लिया है, ठाकुर जी की डायरी में आपके जन्म तिथि की तारीख तब से नोट होती है जब से आपने गुरु मंत्र लेकर भगवान का भजन करना शुरू किया है। इसीलिए कहा गया, जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं।
हम पूजा पाठ करते, धर्म अनुष्ठान करते हैं, पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन में सदगुरु नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज जी सदगुरु क्या करता है? देखिए, कल से कई लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि गुरु जी सदगुरु क्यों धारण करें, गुरु क्यों बनाए। कई लोगों ने कहा गुरु जी दीक्षा लेनी है, तो वो पूछ रहे कि गुरु क्यों धारण करें। गुरु धारण करने के बाद एक इष्ट में हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाती है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, वो एक इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। गुरु एक मार्ग दिखा देता है कि इसी मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जब हम उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं तो कल्याण होता है। गुरु कौन है जो मार्गदर्शन करे? सदगुरु कौन है? बोले जो हमें दीक्षा दे करके भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है। कुछ प्रश्न मेरे पास आए कि गुरु जी दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेंगे तो क्या लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? कई सारे लोगों ने प्रश्न किया, दीक्षा लेंगे, हम आपसे लेना चाहते दीक्षा। तो हमने कहा ठीक है, हम व्यासपीठ से बताएंगे। कईयों का निवेदन रहा कि आप एक बार इस पर प्रकाश डालिए, क्या गुरु मंत्र लेंगे तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? अरे भैया, हम कौन होते हैं छोड़ने वाले? छोड़ेंगे तो फिर पकड़ लेंगे। गुरु मंत्र लेकर आपको लहसुन प्याज नहीं छोड़ना, मंत्र दीक्षा लेकर शिव मंत्र की दीक्षा लीजिए, वैष्णव की नहीं। अगर आप वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो आपको उसमें लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि आप शिव मंत्र की दीक्षा लेते हैं ना, तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना नहीं है। दीक्षा लेकर भजन करना शुरू कीजिए, भजन की महिमा बढ़ेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। सज्जनों, शिव मंत्र की दीक्षा जब हम देते हैं तो कहते आप जैसे चल रहे वैसे चलते रहिए, बस भजन को उसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, कई पार्टी में जाना है, कई मित्रों के यहाँ जाना है, आप लहसुन प्याज नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगा। आप लहसुन प्याज पाते रहिए, शिव मंत्र की दीक्षा लेकर भजन करते रहिए, बाबा कृपा करेंगे, जीवन बदलना नहीं पड़ेगा, बाबा की कृपा से जीवन अपने आप बदल जाएगा। सज्जनों, छोड़ना कुछ नहीं है, हाँ बस उसी में एक मेरे भोले बाबा के नाम को और जोड़ देना है। जो गुरु मंत्र दीक्षा दी जाती है, बस उस नाम को और जोड़ देना है। दूसरा प्रश्न लोगों ने किया कि गुरु जी कल का डेट रखा गया दीक्षा के लिए, तो गुरु जी दीक्षा लेंगे तो क्या देना पड़ेगा? शिष्य क्या गुरु को देगा और गुरु क्या शिष्य से लेगा? देना हो तो धन दौलत मत देना, अपने जीवन की कोई बुराई ला करके समर्पित कर जाना, आपकी दीक्षा और दक्षिणा पूरी हो जाएगी। अपने जीवन की कोई एक बुराई लाकर सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना, आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। सज्जनों, एक प्रश्न और लोगों ने किया कि हम शिव जी को गुरु मानते हैं तो क्या दीक्षा लेना जरूरी है? चूंकि यहाँ के लोगों का विशेष प्रश्न ये रहा, तो शिव जी तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। लेकिन हाँ, उस गुरु में हमारी निष्ठा दृढ़ हो, ऐसा कोई भगवत भक्त बीच में आवे जो हमें उनके मंत्र की दीक्षा दे करके उनके चरणों से हमारा दृढ़ संबंध बना दे, तो उनके चरणों में हमारा प्रेम और दृढ़ होगा और भक्ति सफल हो जाएगी। आप शिव को गुरु मानते अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप किसी सदगुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा लेकर नहीं लगेंगे भोले बाबा के चरणों में, तब तक आपकी पूर्ण भक्ति सफल नहीं होगी। आप शिव को गुरु मानते हैं, शिव को ही गुरु मानना है, वो जगत गुरु हैं, लेकिन बीच देखिए, एक है पुरुष, एक है महापुरुष और एक है परम पुरुष। समझिएगा, पुरुष कौन है? बोले जीव है पुरुष। और परम पुरुष कौन है? बोले परम पुरुष है परमात्मा। और महापुरुष कौन है? बोले महापुरुष है संत सद्गुरु। अगर पुरुष को परम पुरुष तक पहुंचना है तो बीच में एक महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। महापुरुष होगा तो सही मार्गदर्शन करेगा और हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। तो जिनको भी जो कह रहे थे दीक्षा के लिए, दीक्षा का समय कल क्या होगा ये मैं विश्राम में आप सभी को बता दूंगा। आप सदैव ये ध्यान रखें कि आप इस चक्कर में परेशान न हो कि दीक्षा तो लेना चाहते पर लहसुन प्याज कैसे छोड़े। नहीं छोड़ना, आप शिव मंत्र लेकर बाबा का भजन करना प्रारंभ कीजिए,
आपका भजन भी सार्थक होगा और धीरे धीरे बाबा की कृपा होगी तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अभी एक घटना मैं आपको बताऊं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी पति देवता खाते पीते हैं, भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में उनका मन नहीं लगता, दीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या दीक्षा ले सकती हूँ? हमने कहा आप दीक्षा लेकर भजन करिए। दीक्षा लेकर भजन करना प्रारंभ किया, 2 साल बाद खुद पति देव उनको साथ में लेकर के आए और मैया ने कहा महाराज जी गुरु मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि पति देव सुधर गए और हमसे ज्यादा भगत आज के समय में ये बन गए। ये होता है भजन का प्रभाव। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, बोले आज नहीं कल लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे। नहीं, यदि आपके मन में भाव जगा है तो आप जैसे हैं जिस भाव में हैं उसी भाव में दीक्षा लेकर भगवान से जुड़ जाइए। भगवान धन नहीं देखते, भगवान वस्त्र नहीं देखते, भगवान स्वरूप नहीं देखते, भगवान रूप रंग नहीं देखते, मेरे भोले बाबा तो केवल और केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। मेरे महादेव कहते, मेरे ठाकुर जी कहते आप जैसे हैं वैसे मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको वैसे ही स्वीकार कर लूंगा। अच्छा आप बताइए, छोटा बच्चा खेल रहा हो और खेलते खेलते धरती पर गिर जाए और शरीर पे मिट्टी लग जाए तो नहा करके माँ के सामने जाता है? नहीं, माँ देखती ओहो बच्चा गिर गया, मिट्टी लग गया, बच्चा 2 कदम आगे आता है, माँ 4 कदम आगे बढ़कर गोद में उठा लेती है, संकोच नहीं करती कि धूल लगाए हमको भी लग जाएगा। फिर बच्चा मस्त रहता है, माँ ले जाती है, उसको स्नान कराती है, उसको वस्त्र धारण कराती है, उसका श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद हृदय से लगा के कहती है ये तो मेरा बेटा है। आप जैसे हैं वैसे ही गुरु से दीक्षा लेकर भगवान से जुड़ जाइए, भगवान आपको उठाएंगे, रगड़ रगड़ के स्नान करवाएंगे, आपके मैल को धोएंगे और फिर बाबा हृदय से लगा के कहेंगे ये तो मेरा बेटा है। यही तो उनकी भक्त वत्सलता है। गुण अवगुण प्रभु मान न गाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पवित्र होकर गए तो क्या गए, गंगा जी नहाने जाते हैं तो पवित्र होकर नहीं जाते, पवित्र होने के लिए जाते हैं। आप जैसे हैं वैसे भगवान के चरणों में समर्पित होइए। तो दीक्षा का कल क्या समय रहेगा मैं अंत में आपको बताऊंगा, इसके पूर्व आइए हम लोग कथा का श्रवण करें। देवताओं ने निवेदन किया, माँ ने कहा मेरा क्रोध तब शांत होगा जब आप मेरे बेटे को जीवित करेंगे। भगवान शंकर ने कहा विष्णु जी उत्तर दिशा की ओर जाइए, जो प्राणी सबसे पहले मिल जाए, जो जीव सबसे पहले मिल जाए उसी का गर्दन लेकर आइए, सिर लेकर गर्दन काट कर सिर लेकर के आइए और हम इस बच्चे को जीवन दान देंगे। विष्णु जी जले, एक हाथी का बच्चा जो पूर्व किन्हीं कर्मों के कारण हाथी बना था पर वो था भजनानंदी, उनका भी कल्याण करना था, हाथी के बच्चे के सिर को लेकर विष्णु जी आए हैं। बाबा ने धड़ से जोड़ा है और ज्यो जल लेकर छींटा मारा, गणपति बप्पा उठकर बैठ गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पार्वती माँ तो पीछे रह गई, भोले बाबा ने दौड़कर गणेश जी को पहले हृदय से लगा लिया। आहा, हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से कहते हैं सुनो देवताओं मैं पार्वती का नायक हूँ। देखिए हमारे गणपति बप्पा को विनायक क्यों कहते हैं, आपके मुंबई में कौन से विनायक हैं? सिद्धि विनायक। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। उनको विनायक क्यों कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी ने कहा देवताओं मैं पार्वती का नायक हूँ, नायक यानी पति, मैं पार्वती का नायक हूँ और इसने बिना नायक के जन्म लिया है सो इसका नाम विनायक होगा। बोलिए विनायक भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी आ गए, कहा इसने भोले बाबा आपके सभी गणों को पराजित किया है इसलिए आज से ये सभी गणों के ईश होंगे, इनका नाम गणेश होगा।
आहा, गज का मुख है सो गजानन कहे जाएंगे, पेट बड़ा है सो लंबोदर, सूंड में घुमाव है सो वक्र तुंड, विघ्न के नाशक होंगे इसलिए विघ्न विनाशक, प्रथम पूज्य होंगे हम सभी में इसलिए प्रथमेश कहा जाएगा, आदि शक्ति के पुत्र हैं इसलिए इनको आदि देव कहा जाएगा। ब्रह्मा जी इतना बोल ही रहे थे कि बगल में खड़े थे कार्तिकेय भगवान, छोटे भाई को देखकर प्रेम उमड़ आया हृदय में और दौड़ करके गणेश जी को गोद में उठा लिया। इस दृश्य का दर्शन करके देवता गदगद हो गए, देखो क्या प्रेम है, बार बार मुख चूमने लगे और कहा बेटा चलो हम तो चलो गणेश हम तुमको घुमा के लाते हैं, और ले जा करके गोद में लेकर अपने मोर पे बैठ गए और सामने बिठा दिया गणपति बप्पा को। भगवान विष्णु ने इस दृश्य को देखा प्रसन्न हो गए और कहा जीवन में पहली बार ये बच्चा मोर पे बैठा है इसलिए इसका एक नाम मोरेश्वर भगवान भी होगा। बोलिए मोरेश्वर भगवान की जय हो। सरस्वती माँ प्रकट हो गई, एक कापी पेन दे दिया, कहा हे गणेश ये मेरा आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी की लेखनी मिटाई जा सकती है पर आप जो लिख दोगे उसको काटने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इंद्र ने अंकुश प्रदान कर दिया, धरती माता आ गई, कहा हे गणपति बप्पा हम भी आपको कुछ देना चाहती हैं। गणेश जी ने कहा दीजिए माता जी क्या देना चाहती हैं। कहा वैसे और कुछ तो नहीं पर एक बड़ा खुरापाती जंतु हमारे पास है जी, जो दिन रात कटर कटर किया करता है, क्या है? चूहा ला करके गणेश भगवान के नीचे रख दिया। गणेश जी ने कहा ये क्या? बोले आपकी सवारी। गणेश जी ने कहा माता जी हमारा वजन देख करके सवारी का निर्धारण करती हैं आप, मैं इतना भारी भरकम और छोटा सा 100 ग्राम का चूहा, चूहे की सवारी मैं करूंगा? माता जी ने कहा गणपति बप्पा इसमें एक राज है। क्या? जो चूहा होता है वो कुतरने में प्रवीण होता है, जो आपकी चरण शरण में आएगा ये चूहा बगल में बैठा होगा और जैसे ही भक्त आपके चरणों में शरणागत होगा ये चूहा उसके सारे पापों को कुतर के नष्ट कर देगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और आज से गणपति बप्पा की सवारी क्या हो गई? अरे बोलो ना, एक ही। और सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा और गाना शुरू किया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जनी पार्वती पिता महादेवा, माता जनी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश माता जाकी पार्वती। क्या बात है, आप लोग गाते हो तो जैसे लगता है वायलिन बज रहा है। अरे जय गणेश जय हम जा रहे काशी, हमको नहीं गए, जब आप ही लोग इतना बढ़िया गाएंगे तो हम क्या करेंगे रहकर। अरे जय गणेश क्या बात है, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। देखो वैसे तो आज विचार किया था कि गणेश जी का विवाह भी आज करवा देंगे, गणेश और कार्तिकेय का जो बीच में थोड़ा हुआ कि भाई किसका विवाह पहले हो, ये कथा बड़ी प्यारी है, लेकिन आज बड़ा समय अपनी सीमा को पार कर रहा है तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, कल को शाम के 7:30 बजे विवाह करवाएंगे। किसका विवाह? गणपति बप्पा का।
और कलकत्ता का विश्राम दिवस भी है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, पुनः मिलेंगे कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़ें और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन आज की सभी लोग गणेश जी के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे और इसके साथ ही में हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख रूप से काशी के प्रागट्य की और काशी के गुण रहस्यों पर चर्चा हम लोग करेंगे। काशी का निर्माण कैसे हुआ, काशी पुरी में भगवान शंकर कैसे पधारे और कैसे भगवान की लीला काशी में प्रारंभ हुई। कहा जाता है ये दुनिया से अलग है काशी, काशी इस धरती पे नहीं है, धरती से अलग है। तो ये सब कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, कल कथा का विश्राम दिवस है। और कल के लिए मेरा निवेदन, आज आप लोग घर जाना और अभी तक जो कथा में नहीं आए कल उनको जाकर के कहना कि अभी तक कथा में नहीं आए कोई बात नहीं, पर आज जरूर चलो। क्यों? आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा होने वाली है और आज कथा का विश्राम दिवस है। ऐसी मान्यता है जो बीच की कथाओं में न आ पाए हो, अगर विश्राम दिवस की कथा को सुन ले तो सारी कथा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में, जिनको भी पूरा फल चाहिए वो कल कथा में जरूर पधारे और पधार करके कथा का आनंद ले। साथ ही में ओ मैया बैठ जाओ 5 मिनट और प्रसाद लेके जाना। ये देखो, जब कथा में कोई आता है ना तो ये सारे पाप, जितने लोगों के पाप होते हैं ना, यहां से निकल के ऊपर घूमने लगते हैं और देखते हैं अब हम कहां जाए। तो जो सबसे पहले उठ के जाता उसी के पीछे चले जाते हैं। अब भागो। क्या याद करोगे कि कैसे महाराज आए थे? जय हो शशिकांत महाराज। जाने के बाद कई कई तो मन में गरिया रहे होंगे कि महाराज ने ताली बजवा बजवा के हाथ में दर्द करवा दिया। अच्छा, कल कथा विश्राम हो जाएगी, परसों मैं चला जाऊंगा। कितने लोग खुश हाथ उठाए देखो। आप हैप्पी हैं? हम अच्छी बात है। अरे महाराज मिस्टेक, कितने लोग दुखी हो जाएंगे वो हाथ उठाए। दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस धरती पर पालेश्वर महादेव बैठे हैं पालन तो वही करने वाले, फिर दुखी क्यों होते हैं। ये कथा यूट्यूब पे लाइव चली है, जाने के बाद यूट्यूब पर पूज्य शशिकांत जी महाराज शिव महापुराण कथा सुनकर सुनते रहना और देखते रहना बैठ के कैसे निंदा चुगली कर रहे थे, सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोग इस कथा का आनंद यूट्यूब पर पुनः ले सकते हैं। कथा प्रतिदिन यूट्यूब पे लाइव चल रही, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खूब दुनिया को लाइक सब्सक्राइब करते हैं लेकिन भगवान की बारी जब आए तो पीछे हट जाते हैं। आज घर जाना, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और सुनो भाई, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए भोजन मत करना, क्योंकि भोजन करके आप सो जाओगे। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना फिर आराम से सोना। तो आप सभी लोग पूज्य शशिकांत जी महाराज सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल हमारा जो है पूज्य शशिकांत जी महाराज भाई पूज्य आराधना देवी जी, उसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी सोशल साइटों से जुड़े और घर बैठे कथाओं की जानकारी आप सभी लोग प्राप्त करें। कल कथा का विश्राम हो जाएगा। कथा कितने लोगों ने सुना है वो हाथ उठाए। कथा सुनने के बाद दक्षिणा भी दिया जाता है, कितने लोग दक्षिणा देंगे? वाह, कल कोई खाली हाथ नहीं आएगा। आप लोगों ने 5 दिन तक कथा को सुना है, सभी लोग
खूब बढ़िया कुल के दक्षिणा लेकर आवे और खूब आनंद के साथ में कल जब कथा विश्राम होगी तो शिव महापुराण भगवान की यहाँ से विदाई करें। आप सभी बीच में परेशान नहीं होंगे कथा के विश्राम में, जब कथा विश्राम हो जाएगी तो भगवान यहाँ से नीचे आप सभी के बीच में जाएंगे, आप सभी आकर के भोले बाबा को प्रणाम करेंगे, जो कुछ भी दक्षिणा समर्पित करना हो समर्पित करके निवेदन करेंगे, हे महादेव हमें भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि हम लोग भी अपने घरों में अपने जीवन में एक बार ऐसी कथाओं का आयोजन करा करके पूरे क्षेत्र को धन्य धन्य कर सके, ऐसा सामर्थ्य हमें भी प्रदान कीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ाइए, ऐसी कामना करते हुए आप सभी लोग कुछ न कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। जिनको भी कल मंदिर में सहयोग देना है आप कल कथा के विश्राम दिवस सहयोग देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सहयोग दिया है एक बार उन सभी भक्तों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, सभी को साधुवाद है। जिनको भी अपने यहाँ श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, देवी भागवत कथा, हनुमत कथा आदि कथाओं का आयोजन अपने यहाँ करवाना हो आप सभी लोग यूट्यूब से नंबर ले लें या पुस्तक जो मैंने कल कहा था वहाँ स्टॉल से प्राप्त कर लेंगे, उसमें नंबर है वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, या भैया जी जो बैठे तबले के पास उनसे प्राप्त कर लेंगे, या तो हमारे सकल देव जी से संपर्क करके आप लोग आगामी कथा के आयोजक बन के पुण्य के भागी बन सकते हैं। अपने यहाँ यदि कथा करवाना हो तो कम से कम आप 6 महीने पहले संपर्क करें तो ही कथा हो पाएगी, और अगर बीच में आप संपर्क करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि 6-6 महीने की साल साल भर की कथाएं लगी रहती हैं, और बीच में कोई कोई भक्त फ़ोन करते, आज ही एक भक्त इंदौर से फ़ोन कर रहे, गुरु जी कथा की डेट दे दो, तिथि दे दो। अब समस्या ये हो गई कि कथाएँ निरंतर लगी हुई है तो फिर दीदी को कहीं और कथा में शिफ्ट करना पड़ता है और फिर हमें भी परिश्रम करना पड़ता है, तो आप थोड़ा पहले संपर्क करके कथाओं का आयोजन करवा कर ये सौभाग्य अपने यहाँ भी आप सभी लोग अर्जित कर सकते हैं। अब कुछ सूचना समिति द्वारा आप लोग श्रवण करें, इसके बाद कथा का विश्राम, आरती और प्रसाद आप सभी लोग लेकर के ही जाएंगे। जिनको भी पुस्तक प्राप्त करना है, भजन संग्रह की पुस्तक भाग 1 और भाग 3 दो भागों में है, आप लोग पीछे स्टॉल पर जाकर प्राप्त कर लेंगे, 25-25 रुपए की वो प्रति है। और मंदिर में जो सहयोग दे रहे हैं वो रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हाँ, कई लोग सकलदेव जी के पीछे पड़े कि गुरु जी से गुरु मंत्र लेना क्या करें क्या करें, तो मैं आप सभी के लिए सूचना दे दूं, जिनको भी दीक्षा लेनी है सुबह में हनुमान जी का पूजन आयोजक परिवार के साथ में, सकलदीप जी के यहाँ नीचे कमरे में रुके हैं, प्रतिदिन मैं हनुमान जी का पूजन वहाँ सबके साथ में करता हूँ, तो प्रातः 10 बजे आप सुबह से कुछ मत खाना, जिनको भी दीक्षा लेनी है 10 बजे आ जाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लाना आपको, एक दीपक ले लीजिएगा, रोली ले लीजिएगा, रक्षा ले लीजिएगा, थोड़ा सा प्रसाद भगवान के लिए, थोड़ा सा फूल भगवान के लिए ले लीजिएगा, स्वैच्छिक दक्षिणा और बाकी कुछ नहीं लाना है आपको, अपने हृदय का भाव अपना प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित करें, जो कुछ शिक्षा हो आप 1 रुपये की दक्षिणा देकर दीक्षा प्राप्त करके भगवत भजन की ओर आगे बढ़े। मेरा यही उद्देश्य है कि आप भगवान के चरणों से जुड़ें, आपका परिवार संस्कारित हो और आपके बच्चे भी संस्कारित हो, सनातन धर्म को समझें और सनातन धर्म को समझकर भगवान के चरणों से जुड़े रहे। तो जो भी दीक्षा के लिए कह रहे थे या दीक्षा लेना चाहे आप सुबह 10 बजे वहाँ आ जाएंगे, हनुमान जी के पूजन के बाद जब मैं पूजन से उठूंगा उसी समय दीक्षा का कार्यक्रम होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो, हाँ मेरे साथ बोले हर 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 हर, जोर से हर हर। मैं और एक नारा लूंगा, बोल बम का नारा है, भोलेनाथ हमारा है, बोल दिया, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, अरे जोर से बोल बम का नारा है। सबको आनंद आ रहा है कथा सुनने में, आज 4th दिन है, पालेश्वर शिव मंदिर पवई आयोजित शिव ब्रह्मा कथा आज 4th दिन है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ 20 तारीख को इसी प्रांगण में महाप्रसाद का आयोजन किया है, जो भक्तगणों को अपने इच्छा से जो अन्नदान करना चाहते हैं वो पालेश्वर कमेटी से संपर्क करें।
भाई इस मंच पर अपने शिवसेना की लाली नगर सेविका सो अश्विनी से अशोक माटे कराइए संगीत है बोले क्या तो बोलिए मैडम आप ऊपर नहीं होते नीतू त्रिपाठी जी बीजेपी के महिला पदाधिकारी है और एक बार नारा लगी है वेलकम का नारा